भविष्य है कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाए और उसके लिए कोई और हमको तैयार नहीं करेगा, हमको खुद तैयार होना है। हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 2 पद। और आज परमेश्वर के वचन में से कुछ स्थलों से हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाए, परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल हो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हो सके साथ परमेश्वर ने बातचीत किया और बातचीत करके पूछ रहे हैं कि तेरे हाथ में क्या है। कभी हम अपने लिए इस बात को सोचते हैं कि हमारे हाथ में क्या है? कितने लोग सोचते हैं, जो मेरे पास है, जो हम में है, जो मेरे पास है वही चीजें इस्तेमाल होंगी। हालेलुया। तो पहली बात जो मैं और आप सीखे आज परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो वो ये है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छा करना। और इससे पहले कि परमेश्वर या वह परमेश्वर मूसा को ये बात बोलता, परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं जहां पर हमने इस बात को देख लिया कि परमेश्वर ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। तो उससे पहले हम इस बात को पाते हैं कि अगर आप मूसा की आयु को अगर आप जानना चाहें तो यहाँ मूसा की आयु जो है वो 80 वर्ष की हो चुकी है और उसके हाथ में जो है वो लाठी थी। इसका यह मतलब नहीं कि वो बुजुर्ग हो गया था और उसको लाठी की आवश्यकता थी, ऐसा नहीं है, है ना? तो बुजुर्ग नहीं हो गया था। और उन भेड़ बकरियों को चराने के लिए उसको क्या चीज की आवश्यकता थी? छड़ी की। छड़ी और लाठी में बहुत अंतर है, टीचर्स लोगों की को लाठी की नहीं छड़ी की आवश्यकता है और भेड़ बकरी चराने वालों को लाठी की। और जब परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरू किया तो वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बहुत अच्छा बनाया। इससे पहले कि परमेश्वर ने उससे सवाल किया, उससे अच्छे संबंध बनाया, परमेश्वर को जानना चाहा, अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को इसी दोनों सवालों के साथ ही कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है, और आप कौन है का मतलब यह नहीं कि प्रभु आपको आपका नाम बता रहा है दोबारा कि आप सीमा है, नहीं। क्या प्रभु को पता नहीं है क्या है? परंतु आपको जानना है कि आप कौन है। और प्रभु के लोगों को चाहिए, जो मैं सोचती हूँ वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हमारा परमेश्वर, हमारा बनाने वाला परमेश्वर पवित्र है और वो इस बात को कहता है कि तुम भी पवित्र बनो। और हम वही है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, उसकी सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसने बनाया है, जो पूरे ब्रह्मांड का रचना करने वाला है। यहाँ पर मूसा ने सवाल किया कि जब लोग पूछेंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगा। और परमेश्वर ने बहुत अच्छा कहा, क्या है उसका उत्तर? कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। और ये पहचान जो है वो मूसा को मिल गया। क्या मेरे पास, क्या आपके पास वो पहचान है? क्या हम चाह रहे हैं कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल करे? तो सबसे पहले इन्हीं दोनों सवालों के साथ हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाए। और जब अगर उसके बाद भी बहाना होता है ना, उसके बाद मूसा का बहुत सारा बहाना था, तो उस बहाने में ही जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसके पास बहाना है ना कि मैं तो बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला भी नहीं हूँ, उनका भद्दा हूँ, है ना, लोग मेरी नहीं सुनेंगे, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, बहुत सारी बातें हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं। पर परमेश्वर जवान ने उससे क्या कहा कि तेरे हाथ में क्या है। हालेलुया। हमारे पास क्या है, हमारे हाथ में क्या है, हम क्या जानते हैं, ऐसा कौन सा आपके अंदर टैलेंट है, ऐसा क्या चीज
करता है। हालेलुया,
परमेश्वर के दास ने पूछा कि तेरे घर में क्या है, और आप सोच सकते हैं कि जब वो छोटे से बर्तन जिसमें छोटी सी हांडी को जब वो परमेश्वर के दास को बताते हुए समर्पित करी, बाइबल इस बात को बताता है कि वो इतना ज्यादा हो गया कि उसके सारे कर्जे माफ हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब हम आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं तो कौन पास्टर है ना, कौन पास्टर। मैं इस बात को मैं बोलना चाहती हूँ कि जिस पासवान के द्वारा आप आशीष पाते हैं उसको कभी भी ना भूलें। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर। जब परमेश्वर के दास पूछ रहे हैं तो उसने इस बात को तो समझ लिया कि जरूर परमेश्वर के दास मेरी मदद करेंगे, तो उसके पास हो सकता है शब्द होते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको पता था कि उसके घर में क्या है, और इसलिए उसके जीवन में उसके घर में आश्चर्य कर्म हुआ। और बाइबल इस बात को बताता है कि उन्होंने वो और उसके बेटे जो है उससे अपना जीवन को निर्वाह किया। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा आशीष उन्होंने प्राप्त किया। हालेलुया, है ना। आशीषों को प्राप्त करने की कुंजी क्या है, बाइबल में है। उसकी चाबी जो है वो बाइबल में है। आपको ढूंढना, आपको क्या करना है, ढूंढना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरे ही प्रचार में भी विश्वास मत करना जब तक कि बाइबल में पाया ना जाए। तो मैं बोलना ये चाहती हूँ कि किसी छंगाई वाले के पीछे मत भागो, किसी प्रॉफिट के पीछे मत भागो, आशीषों के पीछे मत भागो। भागना है तो यीशु के पीछे भागो। हालेलुया। तीसरी बात जो है, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल करे तो वो यही है कि हमको यीशु के पीछे भागना है, हमको यीशु के पीछे भागना है। जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10:46 से, और इसको भी मैं जानती हूँ कि हमें से प्राय सब इस स्थल को जानते हैं। पर किसकी घटना है, जो तीसरा पॉइंट है कि हमको किसके पीछे भागना है, यीशु के पीछे भागना है। और जब एक व्यक्ति अपने जीवन को यीशु को देता है तो सबसे पहले उसको बहुत सारे लोग रोकने के लिए तैयार है हो जाते हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीख रहे हैं। जो संसार की ओर जाते हैं उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो उनको रोकने वाले होते हैं। लेकिन हमको यीशु के पीछे चलना है। यहाँ पर ये अंधा भिखारी और चिल्लाने लगा और बोलने लगा, और बाइबल इस बात को बोलता है कि यीशु ने रोक करके उसको बुलाया, और बुला करके यहाँ भी एक भयंकर सवाल कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जब प्रभु की उपस्थिति में आएंगे प्रभु पूछेगा तेरे हाथ में क्या है। जब हम परमेश्वर के दासों के साथ संगति को बना करके रखेंगे तो दूसरा सवाल आपके पास आएगा कि आपके घर में क्या है। जब यीशु के पीछे चलेंगे तो तीसरा सवाल आपके पास आएगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। ये तीनों सवालों ने लोगों को आशीषित कर दिया और वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुए। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल ये है कि मैं और आप यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं या नहीं, प्रभु को जीवन देने के लिए तैयार हैं या नहीं। बाइबल स्पष्ट रीति से इस बात को बताता है कि यदि हम आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल करे तो हमको परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है, परमेश्वर को जानना है। बाइबल इस बात को बताता है कि यदि हम परमेश्वर के दासों की संगति में रहेंगे, परमेश्वर के लोगों की संगति में रहेंगे तो परमेश्वर हमको आशीषों के द्वार को खोल देगा, और जब परमेश्वर के पीछे भागेंगे तो अपने आप आशीष हमारे पीछे आएगी। बाकी दुनिया की सारी चीजें यहाँ रह जाने वाला, सारी चीजें यहाँ रह जाने वाला। मैंने पहले ही इस बात को बताया कि जब हम संगति में आते हैं, मैंने इस बात को कहा कि आप केवल जब यहाँ आ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं हूँ और मेरा
यीशु है। अब यीशु से मिलने आए हो, वो स्थान जब अगर आपने प्रभु को देना शुरू कर दिया, मान लीजिए एक फिर से मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, यदि आप परमेश्वर के भवन में आकर के ही मोबाइल में बिजी है और जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी और आप यीशु के पास होंगे और उसके बाद आप यीशु से कुछ बोलते रहेंगे और यीशु मसीह नहीं सुने, तब कैसे लगेगा आपको? आपको बहुत जरूरत है और वो भी किसी काम में बिजी होकर, फिर क्या करोगे? सोचा है कभी कि उसके पास आकर के मैं दूसरे चीजों में बिजी हूं, और जब मैं यीशु के पास गई या मैं यीशु के पास गया और वो बिजी हो गए और उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, तो कैसा लगेगा? कोई है जो बोलेगा कि हाँ मुझको अच्छा लगेगा? हम लोग कभी कभी किसी से बहुत अर्जेंट काम रहता है और वो उस समय रिप्लाई ना करे, उस समय उत्तर ना दे, तो बहुत बुरा लगता है, मुझको लगता है, क्योंकि अगर मुझे जरूरत है और उस समय वो रिप्लाई नहीं मिला तो बड़ा अजीब लगता है। मैं इसी से सीखती हूँ कि अगर मैंने यीशु को समय नहीं दिया, मैंने प्रभु को समय नहीं दिया, मैं उसके साथ नहीं बैठी, उसके वचन को अगर मैंने नहीं पढ़ा, तो कल को जब मेरी जरूरत होगी तो यीशु भी बोल देंगे कि मुझको तेरी जरूरत नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है। आप एक दिन में अगर 1,00,000 रुपए कमा ले रहे हैं और उस 1,00,000 रुपए के कमाने के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप जो है दुनिया के सबसे महान व्यक्ति बन चुके हैं, आपका आपके पास नाम आ गया, आपके पास जो है वो सहूलत आ गई, इज्जत आ गया, लेकिन यीशु नहीं है तो किसी भी काम का वो नहीं है, वो धन आपके साथ जाने वाला नहीं है, वो दौलत जो है वो आपके पास जाने वाला नहीं है। और आप अपने धन से, अपनी दौलत से एक दिन का जीवन भी खरीद नहीं सकते। इन बातों को हम में से प्रत्येक को जानने की आवश्यकता है और अपने जीवन को प्रभु को देने की आवश्यकता है और प्रभु से कहने की आवश्यकता है कि प्रभु तो मुझको इस्तेमाल कर, प्रभु तो मुझको इस्तेमाल कर। और जब हम इस्तेमाल होंगे तो निश्चित रूप से हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। सो आइए इस समय में हम प्रार्थना